हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है बैंगन का भरता। उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे दो बड़े बड़े बैंगन, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें चाकू की मदद से बीच बीच में कट लगा देंगे। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों बैंगनों में कट लगा दिए हैं। और मैं अब इसमें लगा दूँगी थोड़ा सा तेल। मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल, उसे पूरे बैंगन में लगा देंगे। और अब चलिए गैस के पास चलते हैं इन्हें सेकने के लिए। मैंने यहाँ पे गैस जला दिया है। अब इसके ऊपर दोनों बैंगन को रख देंगे और अच्छे से इसे सेक लेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है, कितने अच्छे से गैस सिक गया है अंदर तक। अब गैस बंद कर देंगे और अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इन्हें अच्छे से छील लेंगे और अंदर से चेक कर लेंगे, कहीं इसके अंदर कीड़े तो नहीं हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से छील लिया है और चेक कर लिया है, इसमें कीड़े नहीं हैं। अब इसको एक तरफ रख देंगे। अब गैस चलाते हैं और कढ़ाई रखते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और मैं अब इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। और मैं अब इसमें डालूँगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी अदरक, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और दो मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब तेल गर्म हो चुका है और मैं अब इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें हींग। और अब इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तीनों को एक साथ। अब इनको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है और मैं अब इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज। प्याज को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लिया है। और मैं अब इसमें डाल दूंगी टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक पीस में कट कर लिया है। और टमाटर को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, कितने अच्छे से ये मसालों तैयार हुआ है। और मैं अब इसमें डालूँगी सूखे मसाले, जिसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अच्छे से इसे मिला लेंगे, ताकि ये एक अच्छे से मसाला बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, कितने अच्छे से टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। और मैं अब इसमें डाल दूँगी 1/2 कटोरी मटर। मटर को भी मसालों के साथ ही भून लेंगे। 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और अब इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे, ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए, मटर भी सॉफ्ट हो चुका है। और मसाला भी कितने अच्छे से तैयार हुआ है। और अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ बैंगन। इसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ताकि अच्छे से मसाला और बैंगन अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, कितने अच्छे से ये मिल गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं अब इसमें ऐड करूंगी मैगी मसाला। इससे बैंगन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
पूरा एक पैकेट डाल देंगे। अब मसाले को भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए बैंगन का भरता बनके तैयार हो गया है। और अब आखिरी में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, जिससे बैंगन के भरते में और टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैंगन का भरता बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब गैस बंद कर देंगे और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर बनाइए इसे। आप पूरी, पराठे, नान सबके साथ खा सकते हैं। सबके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप भी ज़रूर बनाएं। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।